please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. टूजी केस में बचाव पक्ष के वकील मजीद मेनन ने कोर्ट के फैसले से सच सामने आने की बात कही। टूजी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला आने के बाद संसद में भी हंगामा हुआ। टूजी मामले पर आए फैसले के बाद लोकसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टूजी केस में कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पर कटाक्ष किया। दिल्ली के साथ ही चेन्नई में भी डीएम के कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया। सरकार कल लोकसभा में तीन तलाक पर सजा के प्रावधान का विधेयक पेश करेगी। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की मौत के बाद खाली आर के नगर सीट पर उपचुनाव जारी है। शिवसेना ने सामना के जरिए पाकिस्तान में सिखों का धर्मांतरण रोकने की अपील की। दिल्ली के लोधी स्टेट में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। बिहार के हाजीपुर में आरजेडी के बंद के चलते एम्बुलेंस के जाम में फंसने से एक महिला की मौत हो गई। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में तेज रफ्तार कार की ट्रक से टक्कर में दो लोग घायल हो गए। चिली में मिट्टी खिसकने के बाद लापता हुए 8 लोगों की तलाश की जा रही है। विराट और अनुष्का ने प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली में आज होने वाले रिसेप्शन का न्योता दिया। कटक में हुए पहले T20 में भारत ने श्रीलंका को 93 रन से हराकर सबसे बड़ी जीत दर्ज की। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय T20 में 1500 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने। गोपालगंज में चीनी मिल में बॉयलर फटने से हुए हादसे में नाराज लोगों ने आगजनी की। बिहार के गोपालगंज में चीनी मिल का बॉयलर फटने से 6 लोगों की मौत हो गई। गोपालगंज हादसे में मलबे में कई शवों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। शुगर मिल मालिक ने लापरवाही से इनकार करते हुए आर्थिक मदद देने का भरोसा दिया। गोपालगंज में चीनी मिल में मरने वालों के परिवार को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। दिल्ली के विजय विहार में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दूसरे दिन भी पुलिस ने छानबीन की। जम्मू कश्मीर के रैसी में एक निर्माणाधीन घर गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। गाजियाबाद के वसुंधरा में एक नाबालिग लड़के ने अपनी दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के वैशाली और हाजीपुर में बालू नीति के विरोध में आरजेडी समर्थकों ने जाम लगाया। हैदराबाद में शराब कारोबारी पर जानलेवा हमला करने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 9वीं क्लास की छात्रा के गैंगरेप और वीडियो बनाने का मामला सामने आया। यूपी के अंबेडकर नगर में छेड़खानी से परेशान बीएससी की छात्रा ने कॉलेज जाना छोड़ा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 3 लड़कियों पर जानलेवा हमले का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। देहरादून के रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुस आने से हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक लड़की ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर वायरल होने पर खुदकुशी कर ली। पंजाब के अमृतसर में सीमा के पास 3 पाकिस्तानी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक मां ने अपने 2 बच्चों की हत्या करके खुदकुशी की कोशिश की। एमपी के देवास में बैंक कर्मियों से पैसों से भरा बैग लेकर भाग रहे 4 लोग गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने एटीएम में चोरी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एमपी और महाराष्ट्र की सीमा पर गांव के शादी समारोह में एक बाघ के आने से हड़कंप मच गया। दिल्ली में कोहरे की वजह से 15 ट्रेन रद्द जबकि 30 ट्रेन देरी से चल रही हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति चुनावों में अपनी उम्मीदवारी घोषित की। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजराइल के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। किम जोंग की दहशत से घबराकर एक और सैनिक उत्तर कोरिया से भागकर दक्षिण कोरिया पहुंचा। युजवेंद्र चहल 2017 में अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। गुरमीत राम रहीम की राजदार हनीप्रीत की पंचकुला कोर्ट में पेशी हुई। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल में धूमल और जेपी नड्डा के सीएम बनने की संभावना खत्म हो गई है।
लखनऊ में सीएम आवास के पास फोटो खींचने और सेल्फी लेने पर रोक लगाई गई। अखिलेश यादव ने लखनऊ में सीएम आवास पर सेल्फी पर लगी रोक पर चुटकी ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अब 22 की जगह 23 दिसंबर को गुजरात दौरे पर जाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्रियों की परंपरा तोड़ते हुए योगी 23 और 25 तारीख को नोएडा के दौरे पर। बीएचयू में छात्र नेता की गिरफ्तारी पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया और बसों में आग लगा दी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्कूल की खस्ता हालत की वजह से छात्र सड़क पर पढ़ने को मजबूर हैं। यूपी के फैजाबाद में एक लड़के की बेरहमी से पिटाई करते हुए पुलिस का वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कार से हूटर उतारने पर गुस्साए बीजेपी नेता ने थाने में हंगामा किया। आगरा में आलू की खेती में नुकसान से नाराज किसानों ने अधिकारियों का घेराव किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पटना के नालंदा कॉलेज में इलाज न मिलने पर अस्पताल के बाहर बुजुर्ग की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में झोलाछाप डॉक्टरों पर छापेमारी की गई। बिहार बंद के दौरान सासाराम में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक जाम किया। कैबिनेट ने गुजरात के वडोदरा में देश की पहली रेल यूनिवर्सिटी बनाने को मंजूरी दी। असम के कर्बी आंगलोंग में वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। हरियाणा के यमुनानगर में एक पुजारी पर 12 साल की बच्ची से छेड़खानी करने का आरोप लगा। नोएडा में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर लकी ड्रॉ के विजेताओं को इनाम बांटे गए। राजस्थान सरकार अगले साल उदयपुर में रानी पद्मावती की 9 फीट ऊंची प्रतिमा लगाएगी। खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने एक और अधिकारी को मरवा दिया। मेक्सिको में सैलानियों से भरी एक बस के हादसे का शिकार होने पर 12 लोगों की मौत हो गई। नेपाल के बीरगंज में गैस प्लांट में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। सीरिया में एक रिहायशी इलाके में हुई बमबारी में 17 नागरिक मारे गए जिसमें 7 बच्चे थे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक बेकाबू कार ने फुटपाथ पर चल रहे लोगों को कुचल दिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने आतंकी हाफिज सईद का समर्थन किया। खबर है कि पाकिस्तान रोहिंग्या आतंकियों के साथ बांग्लादेश के खिलाफ साजिश रच रहा है। डोकलाम विवाद के बाद शुक्रवार को पहली बार भारत चीन अधिकारियों के बीच सीमा वार्ता होगी। केरल सरकार ने सरकार विरोधी टिप्पणी के आरोप में डीजीपी जेकब थॉमस को सस्पेंड कर दिया है। हवा की रफ्तार धीमी होने की वजह से दिल्ली में कई जगह प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। मुंबई के नजदीक पनवेल को नगर निगम ने शराब मुक्त करने का फैसला किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के 3 नागरिकों को इलाज के लिए मेडिकल वीजा जारी किया। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदूषण विभाग के अधिकारी को बंधक बना लिया। आरजेडी ने राज्य सरकार की खनन नीति और आपराधिक घटनाओं के विरोध में आज बिहार बंद बुलाया। गुजरात के वडोदरा में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थकों की फायरिंग से हड़कंप मच गया। पंजाब के बरनाला में एनआरआई पत्नी से धोखा मिलने पर एक आदमी ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी कर ली। पंजाब के तरन तारण में चोरी के डर से एक पिता पर बेटी को जंजीर से बांधने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के शामली में पुरानी रंजिश की वजह से एक किसान की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। बिहार के आरा में आरजेडी के बंद के दौरान नेशनल हाईवे पर आगजनी की गई। बिहार के सहरसा जिले में पुलिस ने छापे में एक वैन से 123 पेटी विदेशी शराब जब्त की।